जीपीए नंबर 322, एक्सरसाइज 13 है, क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करें। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सी और डी पार्ट आप लोगों को होमवर्क दिया था, बी और सी पार्ट की एरिया की कैलकुलेशन का वर्क मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आई होप आप सबने कर लिया। पेज नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। अ पीस ऑफ वायर 144 सेंटीमीटर लॉन्ग कलीम रजा बेटे क्लास ऑन करके आप कहाँ चले गए? A piece of wire 144 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपके पास 144 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर थी, उस वायर को आपने बेंट किया है एक सेमी सर्कल बनाने के लिए। ये वायर थी जिसको आपने बेंट करके क्या बनाया है, इसका एक सेमी सर्कल। ये सारी वायर जा रही है, इसका मतलब ये जो वायर थी वो आपकी बाउंड्री बन चुकी है सेमी सर्कल, यानी कि वायर का जो लेंथ थी वो अब आपके पास सर्कमफेरेंस बन गई है इस सेमी सर्कल का। Find the diameter of the semicircle giving your answer in meters. आपने अपना आंसर किसमें देना है? मीटर्स में, while you are giving with the length of the wire in centimeters. जी स्टार्ट करते हैं। जब पास length of the wire, आपके पास actually circumference हो जाएगा। लेकिन ये सरेंस जो है 140 मीटर है वो उसी सर्कल का है, सर्कल के सर्कल का फोर्सा फॉल्व है, हमने डायमीटर निकालना है, इसलिए मैं सर्कल सरेंस का पाई डी यूज करूंगी। बिकॉज दिस सर्कल, यहाँ पर आप लिख दें 4 सेमी सर्कल जो आपका सर्कम फेरेंस है उसको आपको जो है वो हाफ करना पड़ेगा, पाई डी बाय टू हाफ करना पड़ेगा। सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो आपके पास कितना दिया जी, 144 सेंटीमीटर है। आपकी मर्जी है, आप इस 144 को यहीं पर 10 पे डिवाइड करके अपना आंसर मीटर्स में निकालना चाहते हैं तो वो कर ले, 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो मीटर्स में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1.44। या आप इसको ऐसे ही रहने दें, 144 बाय 100 ही रहने दें और इसको मीटर्स में रहने दें, इज इक्वल टू पाई डी बाय 2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई डी। कटिंग कर लें जी, 2 वन जा 2, 2 50 जा 100, 2 25 जा 50, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, आपके पास आगे 72 by 25 is equal to आपके पास कितनी होती है 22 by 7, 72 by 25 is equal to 22 by 7 multiplied by d because we are not having the diameter। जब आप इस फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो आपकी फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, 7 by 22 is equal to d आ जाएगा। आप दोबारा से कटिंग कर लें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ से आ जाएगा 2 6 जा 12, और मेरे ख्याल से आपके पास मजीद कटिंग नहीं होती। आपका सार गया जी 36 मल्टीप्लाइड बाय 7 और नीचे आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू डी। 36 को मल्टीप्लाई कर लिए 7 से, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 हो जाएंगे 25, 252 ये आ गए। अब आपने 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 25, दिस विल आल्सो बी 25, 275 इज इक्वल टू डी। आपकी मर्जी है, आपने ऐसे आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है। दोबारा से देख लें, हमने क्या किया, हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज किया क्योंकि वो वायर की जो लेंथ थी वो आपके पास सर्कमफेरेंस बन जाएगी। बिकॉज अपने अपना आंसर मीटर्स में जाए तो पहले पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मैं इसको 100 से डिवाइड करके मैंने आंसर मीटर में लिख लिया। मैंने डेसिमल इन्वॉल्व नहीं किया, मुझे कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट लग रही थी, दैट इज व्हाई मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं ली। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आता है पाई डी, बिकॉज दिस इज अ सेमी सर्कल सो आप अपने सर्कमफेरेंस को हाफ कर देंगे, पाई डी बाई टू आ जाएगा। सर्कमफेरेंस आगे पास है 144 बाई 100 मीटर, 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई किया, कटिंग किया, पाई की वैल्यू प्लेस किया 22 बाई 7 और वहां से आपने डी की वैल्यू निकाल ली 252 बाई 275। आपकी मर्जी है, आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें,
अदरवाइज आपका ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरी लाइट होगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसने दिया हुआ है द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सेमी सर्कल्स। ये आपको दो सेमी सर्कल दिए हुए और दो सेमी सर्कल के अंदर उसने एक आई डोंट नो इफ इट इज अ स्क्वायर और समथिंग एल्स, चाहे स्क्वायर जो भी रेक्टेंगल है जो भी है, आपने उसका क्या करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड इट्स एरिया। सबसे पहले जो है वो मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ अपने पास, क्योंकि इस पर फिगर के ऊपर भी काम होना है। वो देखें जी, दिस लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, जबकि यहां से लेकर लास्ट तक जो आपको लेंथ दी गई है आपको दी गई जी 36 सेंटीमीटर आपको दी गई है लेंथ। अब जिसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, अगर ये आपके पास सेमी सर्कल है, ये देखें ये सेमी सर्कल है, दोनों लेंथ आपके पास सेम है, तो डायामीटर ही हुआ ये आपके पास 21 सेंटीमीटर जो है ये डायामीटर हुआ। अब डायामीटर जो है अपने रेडियस निकालना, तो आप डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 21 को आप 2 पे डिवाइड करें तो आ जाता है जी 21 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 2 आ गए, 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 2 10 20 करें बोल गए, 1 आ गया पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 2 5 कर दें 10, तो आपके पास आंसर आएगी 10.5 सेंटीमीटर। सो मतलब है कि इस सर्कल का रेडियस ये वाली लेंथ आपके पास कितनी आ गया जी 10.5, इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ भी आपके पास कितनी आ गई 10.5, क्योंकि दोनों एक जैसे थे, 10.5 10.5 आ गई। अब अगर मैंने पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर आपके पास होती है एक्चुअली बाउंड्री लेंथ, ये बाउंड्री लेंथ एक आ जाएगी, वो मैं इसका सर्कमफेरेंस करके निकाल लूंगी, ये बाउंड्री लेंथ एक आ जाएगी, वो इसका सर्कमफेरेंस करके आ जाएगी, और अब मुझे ये बाउंड्री लेंथ चाहिए सिर्फ इतनी सी, और इतनी सी के लिए मैं क्या करती हूँ कि देखें ये पूरा 36 है, इस 36 में से मुझे ये 10.5 भी निकालना पड़ेगा और ये 10.5 भी निकालना पड़ेगा, तो आखिर जो है ये वाली लेंथ आ रही है, 36 में से आपको 10.5 दो बार निकालना पड़ेगा। तो मैं जो है जो भी आपके पास ये अगर रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या अगर आप लिख लें, वो आपको क्या करना पड़ेगा 36 में से 10.5 दो बार, ठीक है जी, तो 36 में से अगर आप 10.5 एक बार माइनस करते हैं, ये 5 और ये 2, 25.5 आ जाएगा, इसमें से दोबारा आपको 10.5 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, 0 5 और ये 2 में से 1 गए 1, तो आपके पास आ जाएगा 15, इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ आपके पास है जी 15 सेंटीमीटर। अब तक दोबारा से देख ले हमने क्या काम किया है, हमें एक सर्कुलर पोर्शन दिया गया था, सेमी सर्कल इसमें इन्वॉल्व थे, सर्कुलर पोर्शन हमें दिया गया था जिसके अंदर सेमी सर्कल्स आपके पास इन्वॉल्व थे, हमें सेमी सर्कल से अंदाजा लगाया कि जो 21 सेंटीमीटर ये हमारे पास डायमीटर है, इस डायमीटर से हमने रेडियस निकाला, और रेडियस आप सबको पता है हम कैसे निकालते हैं, डायमीटर को हाफ करके, व्हेनेवर यू वांट टू हाफ समथिंग यू आर अबाउट टू डिवाइड इट ऑन टू, तो मैंने 21 को 2 पर डिवाइड किया, मेरे पास आंसर है 10.5, इसका मतलब 10.5 और 10.5 दोनों इस सर्कल्स के क्या है रेडियस है, क्योंकि पूरी की पूरी लेंथ 21 सेंटीमीटर से, तो दूसरे सर्कल के लिए सेम काम रिपीट करना जरूरी नहीं था, तो हमने क्या किया है कि 10.5 दोनों से कर दिए। अब पूरी लेंथ हमें 36 सेंटीमीटर दी गई थी, 36 सेंटीमीटर से हमें सिर्फ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल चाहिए थी, तो वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने निकालने के लिए उसमें से 36 में से 10.5 जो है वो दो बार माइनस किए, तो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आ गई है तकरीबन
15 सेंटीमीटर्स आ गया। अब जाकर हमारे पास जो है चीजें पूरी हुई हैं और अब हम किस पे मूव कर सकते हैं अपनी फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 6 का भी नेसेसरी ही डाटा निकाला है, हमने भी इसको सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहता है कि जी आपने बाउंड्री लेंथ यानी कि पेरीमीटर आपने सिर्फ निकाला। पेरीमीटर आपको वैसे ही पता है कि बाउंड्री लेंथ होती है, और बाउंड्री लेंथ निकालने के लिए अगर आप इस सर्कल की बाउंड्री लेंथ की बात करें तो आपको सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। अगर आप इस सर्कल के पेरीमीटर की बात करें तो इसका भी आपको जो है वो सर्कमफेरेंस ही निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो रेक्टेंगल है क्योंकि सिर्फ इसकी दो लेंथ ही इन्वॉल्व है पेरीमीटर्स में, तो आप पूरा के पूरा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ जो है इसकी दो लेंथ लेंगे जो कि हमारे पास तकरीबन आ गई हैं 15 सेंटीमीटर्स। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि हमने क्या काम किया है। अब देखें जी हम फॉर्मूला लगाने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं जी पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आपको पता है कि दो सर्कल्स हैं, तो आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल दो बार लेना पड़ेगा। क्योंकि ये दो सर्कल है तो मैं सर्कमफेरेंस एक बार ही लेके उसको दो से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी CIRCUM सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसको मैंने दो से मल्टीप्लाई कर लिया है क्योंकि मेरे पास जो है वो दो सेमी सर्कल्स थे। प्लस जो है मुझे ये जो 15 है और ये भी 15 है, सिर्फ मुझे ये दो लेंस चाहिए तो मैं इसमें 15 + 15 कर लेती हूँ। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? व्हेन यू आर हैविंग द रेडियस का फॉर्मूला होता है जी पाई, वैसे तो फॉर्मूला आता है 2πr, क्योंकि ये हाफ है तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि सेमी सर्कल है। 15 और 15 आपके पास कितने हो जाते हैं जी 30 हो जाते हैं। ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाता है, आपके पास रह जाता है जी 2πr + 30। r की वैल्यू आपके पास जो है वो आपके पास है जी 10.5, और पाई की वैल्यू आपको वैसे ही पता है कि होती है जी 22/7। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाने लगी अपना वर्किंग कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक देखें माइक जिसका ऑन है प्लीज उसको ऑफ कर ले, क्लास में काफी डिस्टर्बेंस है। जिसे हमारे पास पेरीमीटर निकलना था, हमारे पास फॉर्मूला था 2πr + 30, और 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास आई थी 10.5 + 30। 2 × 22 करें 44 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7, 10.5 है डेसिमल खत्म करें आपके पास नीचे आ जाएगा 10 + 30। कटिंग की बारी आ गई, कटिंग आप कर लें जी 7 × 1 = 7, यहाँ से भी 7 × 1 = 7, 3 कैरी चला जाएगा, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15। आगे से बचा 22 × 3 + 30, 22 × 3 होता है जी 66 + 30 करें आपके पास आ जाए जी 96 सेंटीमीटर। आपके पास इस शेप का क्या आ गया जी पेरीमीटर आ गया। दोबारा से देख लें हमने सारी वर्किंग आपके पास क्या किया है। सबसे पहले तो जो है हमने डाटा अपना पूरा किया है कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी। सेमी सर्कल्स का हमने रेडियस पूरे किए हैं, रेक्टेंगल के सिर्फ हमें आउटर लेंथ चाहिए तो हमने 36 में से 10.5 दो बार माइनस करके जो है वो अपनी लेंथ पूरी की है। उसके बाद हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया क्योंकि दो सेमी सर्कल थे तो 2 × सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज एक्चुअली द पेरीमीटर ऑफ सर्कल बिकॉज़ द सेमी सर्कल इज इन्वॉल्व, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड सेमी सर्कल। और क्योंकि दो है इसलिए मैंने दो बार निकालने के बजाय एक ही सर्कमफेरेंस को दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे दो बाउंड्री लेंथ सिर्फ इन्वॉल्व थी इसलिए मैंने 15 जो है वो दो बार लिए। फॉर्मूला लगाया सर्कमफेरेंस का क्योंकि हाफ था तो मुझे इसको 2 पे डिवाइड करना पड़ा है, 2πr + 30 आपके पास रह गए। इसके अंदर आपने r की और पाई की वैल्यू प्लेस की है, r और पाई दोनों की वैल्यू प्लेस करने के बाद आपके पास आंसर कितना आ गया 96 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस फिगर का जो एरिया है वो आपके पेरीमीटर है वो आपके पास कितना 96 सेंटीमीटर आ गया।
सेकेंड पार्ट में आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, एरिया ऑफ द फिगर. एरिया देखें, अब इस शेप का अगर आपने एरिया निकाला हो तो सेमी सर्कल्स का एरिया को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप ये लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि रेक्टेंगल का एरिया आ जाए. तो आप लिख लेंगे जी 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस आप यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आगे पास 2 एरिया ऑफ दिस एरिया का फॉर्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल है तो आप 2 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. और अगर आप अपनी शेप के ऊपर जाएं, ये थी आपके पास शेप, इस शेप की लेंथ आपके पास है जी 21 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपके पास कितनी है 15 सेंटीमीटर. तो 21 इंटू 15 करें तो ये वाला पूरा आपके पास एरिया आपके पास आ जाएगा. तो आप कर रहे हैं जी 21 into 15, ताकि हमारे पास एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल आ जाए. ये दोनों टूज आपके पास कैंसिल हो जाएंगे. पाई की वैल्यू होती है 22/7, व्हाइल वैल्यू ऑफ आर इज 10.5, बिकॉज आर इज हैविंग स्क्वायर, सो आई एम आल्सो गोइंग टू राइट अ स्क्वायर ऑन इट. 21 into 15 करना जी, 21 into 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1 into, ये आपके पास आ गया जी 315. अब मैं यहाँ से 10.5 का जो है वो डेसिमल खत्म करके उसके बाद स्क्वायर लेना चाह रही हूँ. तो आपके पास ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर प्लस आपके पास आंसर आया था 315. और ये हम क्या निकाल रहे हैं जी, एरिया ऑफ द फिगर हम निकाल रहे हैं. 22/7 आ गया है मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आप कटिंग कर लें, 5 2s are 10, 5 2s are 10 एंड 5 1s are 5, आपके पास आ जाता है मल्टीप्लाई हो रहा है 21/2 के स्क्वायर के साथ प्लस 315. स्क्वायर का मतलब है कि जी 21/2 जो है दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है 21/2 से प्लस 315. अब यहाँ पे ये गलती ना कीजिएगा कि पहले आप ऐड कर दें, आपको पता बोर्ड में ऐसा रूल यूज होगा पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है जी. यहाँ से आप कर लें 7 1s are 7, 7 3s are 21, 2 1s are 2, 2 11s are 22. आपके पास रहेगा जी 11 multiply by 3 multiply 21 और नीचे सिर्फ आपके पास क्या रहेगा 2 plus 315. 11 3s हो जाएगा 33 multiplied by 21 divided by 2 प्लस 315. 33 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, 3 3 6 6 3 6 93 आ गया जी 693 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 315. 693 को आप कर लिए 2 पे डिवाइड, ये आ जाएगा जी 2 3s are 6, 9 आ जाएगा, 2 4s are 8, 1 और 3 आ जाएगा, 2 6s are 12, 1 डेसिमल लगाएं 0 लगाएं और 2 5s are 10 और ये काम आपका खत्म हो जाएगा. आंसर आपके पास जाएगा 346.5. तो एरिया की कैलकुलेशन के लिए मेरे पास आ गया है 346.5 प्लस 315. 0.5 आपके पास वैसे रहेगा, 6 और 5 11 4 और 2 6 3 और 3 फिर से 6, तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया आपके पास आंसर आ जाएगा 661 सेंटीमीटर स्क्वायर. काम थोड़ा लंबा था लेकिन देख ले हमने क्या किया, हमने एरिया के लिए काम किया है. एरिया के लिए क्योंकि आपके पास 2 सेमी सर्कल है तो आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, बिकॉज दिस सेमी दैट इज आई हैव टू डिवाइडेड ऑन 2, दोनों 2s कैंसिल हो जाएंगे. रेक्टेंगल के एरिया 21 इंटू 15 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा. आर की वैल्यू आपके पास 10.5 थी क्योंकि इसके पास स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा. 21 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आएगा. यहाँ से मैं 10.5 को डेसिमल खत्म करने के बाद इसका स्क्वायर लेना चाह रही हूँ, तो आप 10.5 को डेसिमल खत्म करेंगे तो आ जाएगा 105/10 स्क्वायर. मैंने कटिंग की है फिर 21/2 के स्क्वायर का मतलब है कि 21/2 दो बार मल्टीप्लाई हो, कटिंग की है फिर उसको सॉल्व किया है तो मेरे पास एरिया का आंसर आ गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर.
जी जिसने स्क्रीनशॉट लेना है जरा जल्दी से ले ले, मेरी शीट काफी आज उड़ रही है। नेक्स्ट आपके पास देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आपके पास लिखा हुआ है। आपने इस बी पार्ट का भी पेरिमीटर और एरिया ही निकालना है। आपके पास क्या कहा गया कि ये दोनों लेंस आपके पास इक्वल है, ये आपके पास क्या गिवन है, सेमी सर्कल का रेडियस गिवन है। अगर आप सेमी सर्कल का डायमीटर निकालें तो ये पूरी लेंथ आपके पास आ जाएगी। तो डायमीटर आपके पास क्या था, डबल ऑफ द रेडियस। अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर क्या होगा, डबल इसका यानी कि 10। तो मतलब है कि ये लेंथ भी 10 आ जाएगी और ये लेंथ भी आपके पास 10 आ जाएगी। अब यहां से हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। देखिए हम कैसे निकालते हैं, आखिरी सवाल आज की क्लास का। आज की क्लास में सिर्फ 3 सवाल हल किए हैं। ये शेप आपके पास ड्रॉ हुई हुई है, ये आपके पास है जी स्क्वायर रूट 200 सेंटीमीटर। ये दो लेंथ आपके पास इक्वल है, जबकि ये वाली लेंथ आपके पास कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो बी पार्ट है। आपने इस बी पार्ट का भी पेरीमीटर और एरिया दोनों चीजें ही निकाल ली है। पहली चीज तो देखिए जी, रेडियस आपको दिया है जी 5 सेंटीमीटर, और अगर आप डायमीटर निकालना हो तो आप तो 2 r इनटू कर देते हैं, तो 2 इनटू 5 हो जाएगा, सॉरी 2 इनटू 5 आपके पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास डायमीटर है, और डायमीटर ही एक्चुअली आपके पास हाइट ऑफ दी रेक्टेंगल है। पेरीमीटर निकालने के लिए फर्स्ट हम क्या चीज निकालना चाह रहे हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आपको बाउंड्री लेंथ सिर्फ चाहिए, एक ये बाउंड्री लेंथ, दूसरी ये, और तीसरी के लिए आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा। तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 200 प्लस 10 और प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। स्क्वायर रूट 200 लिखा है, आपकी मर्जी, आप इसको थ्रू आउट एंड तक इसको ऐसे लिखे जा सकते हैं, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। वैसे आप 200 को लिखे जी 2 इंटू 100 प्लस 10 को वैसे रहने दे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है डायमीटर भी है रेडियस भी है, तो मैं डायमीटर वाला फॉर्मूला लगाना चाहूंगी, क्योंकि सेमी है तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर लें। 100 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है ये 10, तो ये 10 आपके पास बराबर आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2 प्लस 10 और पाई की वैल्यू आपके पास होती है जी, पाई को आप वैसे रहने दें, डायमीटर आपके पास 10 है, इसको 2 पे डिवाइड कर लें, 10 प्लस 10 आपके पास हो जाएंगे 10 स्क्वायर रूट 2 प्लस 10, ये 2 5 हो जाएगा, पाई की वैल्यू लगाएं 22/7 और यहाँ पर क्या आएगा 5। अब आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2 प्लस 10 प्लस, आपने 22 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, 22 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2s आर 10, 10 और 1 11। अब 110 को आपको 7 पे डिवाइड करना है, 7 1s आर 7 और 2 10 11 4 और 0, 7 5s are 35, 5 लगेगा पॉइंट लगा के 0, 7 7s are 49 और तो आ सारा तकरीबन 15.7, इतना ही लिखना है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 10 square root 2, 15 और 10 आके पास हो जाएंगे 25.7,
और ये पूरा आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 2 है। आपके पास आंसर आ रहा है जी 10 स्क्वायर रूट 2 प्लस 25.7। क्या मैं किया जी क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट का फर्स्ट पेरीमीटर सिर्फ अभी हमने निकाला है। अब आपने इसका क्या निकालना है, एरिया सेकंड पार्ट। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको यूज करना पड़ेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। एरिया निकालने के लिए आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इनटू बेस, जबकि एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी है तो 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 1/2 हाइट भी आपके पास 10 है और बेस भी आपके पास 10 है, प्लस पाई को वैसे ही रहने, आर आपके पास जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। 1/2 10 टेन्स आर 100 प्लस पाई की वैल्यू है जी 22/7, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 2 आपके पास वैसे ही रहेगा। ये कटिंग हो गया 50 आ जाएगा, 50 प्लस यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी 11 आ जाएगा। 25 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 11 25 275, तो आ जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ से क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो यहाँ से आपको एरिया की कैलकुलेशन जो है वो खुद करनी पड़ेगी। एलसीएम लें और सिर्फ इसको सॉल्व कर लें। मैंने फॉर्मूला यूज किया एरिया के लिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ट्राइंगल के लिए 1/2 हाइट इनटू बेस, जबकि सेमी सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि सेमी है दैट इज व्हाई वी हैव टू डिवाइड द एरिया ऑन 2। आर के लिए 5 थी, स्क्वायर लें 2 पे डिवाइड करें, कटिंग शटिंग करके तो आपने जो है एलसीएम लेके इसको खुद नेक्स्ट सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट भी यहीं पर है और सेकंड पार्ट की लास्ट से कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी। आज आप लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक वायर की लेंथ दी गई थी जिसको हमने सर्कमफेरेंस के तौर पर यूज करके वहां से इसका डायमीटर निकाला है। सेमी सर्कल था तो हमने आपको सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज किया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 शेप्स दी गई हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों शेप्स का आपने पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। हमने आज 2 शेप्स को सॉल्व किया, थर्ड शेप हम सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम है। तो फर्स्ट शेप के लिए हमने पहले ये डायमीटर था, वहां से हमने रेडियस निकाले 10.5 10.5 10.5 15। पेरीमीटर निकालने के लिए सिर्फ बाउंड्री लेंथ इन्वॉल्व है, लिहाजा ये 2 लेंथ आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे पेरीमीटर में, क्योंकि ये बाउंड्री नहीं है, अंदर वाली 2 लाइंस जो है वो बाउंड्री में कंसिडर नहीं होगी। आप सिर्फ जो है इसका सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज यू आर हैविंग 2 सेमी सर्कल्स, और ये 15 और ये 15 को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास निकल आएगा पेरीमीटर। एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इनटू 2 करना पड़ेगा। व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद 2, बिकॉज वी आर हैविंग 2 सेमी सर्कल्स। वहां से आपने वही काम अपना करना है, एरिया निकल आएगा। सेकेंड पार्ट में ये देखें आपके पास एक ट्राइंगल है और सेमी सर्कल है, तो आपने पहले उसके रेडियस का डायमीटर निकाला है। डायमीटर इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द ट्राइंगल और हाइट ऑफ द ट्राइंगल और बेस ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों आपके पास 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आ रहे। सबसे पहले आपने निकाला उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 200 प्लस 10 और ये लेंथ आपके पास क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो आप सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल यूज करेंगे। सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल और उसके बाद आपने निकालना है एरिया ऑफ द शेप। एरिया वहां से मैंने आगे एरिया की कुछ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर सी पार्ट एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज इफ वी कैन कंप्लीट इट। नहीं कंप्लीट तो नहीं हो सकी, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम काम हम कर ले मंडे को। हम मंडे को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट से। आज के लिए आपका होमवर्क किया गया क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट के एरिया की कैलकुलेशन मैंने छोड़ दी है, तो आपने एरिया की कैलकुलेशन जो है वो खुद से कंप्लीट करनी है।
नंबर 5 से हमने स्टार्ट किया था. जिसने स्क्रीनशॉट लेने प्लीज वो स्क्रीनशॉट ले ले. क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके पास. ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास. फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का. ये लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है. एरिया की कैलकुलेशन मैंने छोड़ दी, वो आप लोगों ने खुद कंप्लीट करनी है. ये क्लास 7. अब आप लोगों ने जो भी टाइम थोड़ा कम है, जरा जल्दी जल्दी पूछ लें. रेज हैंड के ऑप्शन यूज करें. अगर किसी का कोई स्क्रीनशॉट मिस हो गया है, आप चाहते हैं मैं उसको दोबारा से दिखा दूं, जरा जल्दी काम करिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया. मुसफ अली मीर, मोहम्मद शामीर एंड कैमराज ऑन रखेंगे. जी किंजा मलिक बेटे पूछें, क्या सवाल पूछना है जी? जो आपने लास्ट पार्ट दिखाया है दोबारा से दिखा दें. अच्छा जी, किंजा हो गया? जी कलीम रजा, कोई सवाल पूछना आपने? कलीम रजा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नो. मुसफ अली मीर, मुसहफ आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे, कोई सवाल पूछना है आपने? नो. खदीजा हुसैन, खदीजा हुसैन बेटे कोई सवाल पूछना है तो जरा जल्दी से पूछ ले. शामीर, शामीर बेटे मैंने आपसे क्या अपना कैमरा ऑन रख के बैठे हो, अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछे जल्दी से.